चाय के फेमस ब्रांड वाघ बकरी के मालिक पराग देसाई का निधन हो गया है। वे महज 49 साल के थे। सोमवार को उन्होंने अस्पताल के बेड पर अपनी अंतिम सांस ली। वाघ बकरी चाय कंपनी के डायरेक्टर पराग देसाई की इस आकस्मिक मृत्यु का कारण बने कुछ आवारा कुत्ते, जिनकी वजह से उनकी जान पर बनाई और आखिरकार उनके जीवन का दुखद अंत हो गया। कुछ दिन पहले पराग देसाई अपने डेली रूटीन के मुताबिक घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि रास्ते में मौत बनकर कुछ आवारा कुत्ते उन्हें अपना शिकार बनाने वाले हैं। वे जॉगिंग कर ही रहे थे कि तभी कुछ आवारा कुत्तों ने उन्हें दौड़ा लिया। उनसे बचने के लिए वे भागे तो उनका पैर मुड़ गया और वे खतरनाक ढंग से सड़क पर ही गिर पड़े, जिससे उनके सिर में तेज चोट लगी और वे बेसुध होकर सड़क पर ही कुछ देर पड़े रहे। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो टेस्ट में मालूम पड़ा कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है, जिसका तत्काल ऑपरेशन किया गया, लेकिन वे होश में नहीं आए। ऑपरेशन के बाद 7 दिनों तक उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें 7वें दिन डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पराग देसाई बेहद काबिल शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाया और बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। महज 49 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ जाने वाले पराग देसाई एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ अरबों की दौलत के मालिक भी थे। इनका परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से व्यापार से जुड़ा हुआ है। 1995 में वे जब अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े थे, तब कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए से भी कम था। परिवार के व्यवसाय से जुड़कर उन्होंने मार्केटिंग, सेल्स और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का काम संभालना शुरू किया था। अपनी काबिलियत से उन्होंने कंपनी का व्यापार सालाना 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। ये कंपनी देश भर में सालाना 50 मिलियन किलो चाय का वितरण करती है। वाघ बकरी चाय कंपनी की स्थापना 1892 में नारंददास देसाई ने की थी। ये व्यवसाय की 4थी पीढ़ी से जुड़े हुए थे। इनके अचानक चले जाने से कंपनी में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार होती ना देख परिवार ने उनको हेबतपुर रोड पर एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया था। इनके परिवार ने बताया कि सिर में इंटरनल इंजरी के कारण डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी कराने का सुझाव दिया था, जिसके बाद उनकी तुरंत सर्जरी की गई, जिसके बाद भी उन्हें होश नहीं आया। ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर लगभग 7 दिनों तक के लिए रखा गया, लेकिन 7वें दिन आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।